आपका क्या नाम है? रामजीवन पासवान। ये जो अडानी वाला मामला अभी चल रहा है, उसमें उसकी थोड़े से क्या कहानी वगैरह है वो बता पाएंगे जरूर बताएंगे। हम लोग तो शुरू से ही इनका विरोध करते आ रहे हैं। क्यों क्यों विरोध कर रहे हैं इनका? हम लोग जमीन नहीं देंगे, अच्छा। चूंकि थोड़ा सा हम लोगों को जमीन है। अगर जमीन दे देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। कटोरा लेकर के रोड पर हम लोगों को जाना होगा। इसलिए हम लोग तय किए हुए हैं कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं। एक आपको के जो अडानी के लोग हैं वो धमकी दे रहे थे? हाँ, धमकी दिए, मारपीट भी किए हाँ। और मेरा अड्डा भी तोड़ ताड़ करके खेत को बर्बाद कर दिया है। हुँ। कल तो SI आए थे हुँ। और वह इंक्वायरी किए कि कहाँ घटना स्थल है, जा करके हमने घटना स्थल भी दिखा दिए। ये जो एक घटना कब हुई थी? घटना हुई थी 7 अप्रैल को, 7 फरवरी 2018 में। 7 फरवरी 2018 को। और SI अभी कब आ रहे हैं? कल आए थे, कल कल कितना तारीख था? था 16 16 नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 16 अक्टूबर 2018, यानी कि 8-9 महीने बाद। हाँ, इसके पहले भी आए थे तो गवाही लेकर के सिर्फ चले गए थे। वो क्या धमकी वो अडानी के लोग दे रहे थे? अडानी का धमकी यही था कि जमीन दे दो नहीं तो जमीन में तुमको गाड़ देंगे। तो उसके बाद से आप उस पे कार्रवाई वगैरह कुछ किए? अभी अभी तो हम FIR किए हैं, लेकिन वही अभी तक गवाही गुजरा हुआ है। कल SI आए थे जो कि वह अपना इंक्वायरी करने के लिए कि कहाँ प्लॉट है, कहाँ घटना हुआ है। तो कल हमने जाके घटना स्थल दिखाए कि यही खेत है, यही गड्ढा था, इसी गड्ढा में हमको धकेल दिया और मारपीट भी किया है और जाति सूचक गाली भी दिया कि और उसके साला। बाद वो चीज़ होने के बाद आपका जमीन एक्वायर कर लिया गया है, हाँ, अभी तो जमीन उसके अंदर में उसके है। अंडर में क्या गाली दिया था? गाली यही दिया था कि मादर चुद साल तुमको इसी जमीन में गाड़ देंगे, अच्छा। कोई बाप बचाने के लिए नहीं आएगा। जमीन हमको सरकार दिया है, तुम्हारा जमीन नहीं है। तो ये जब जमीन तो एक बार अब अंडर में ले लिया है वो हाँ, लोग, ठीक है। वो जमीन जो अंडर में लिया है आपका, उसके लिए कोई सूचना या लेटर वगैरह कुछ आपको नहीं, दिए? हमको कोई सूचना न सरकार से मिला न कंपनी से मिला। तो डायरेक्टली आके कब्जा किए? हाँ, कैसे वो कब्जा किए हैं? कब्जा वही 7 फरवरी को वो JCB से अड्डा ढा रहा था। हमको यहाँ मालूम हुआ, यहाँ से आदमी गया कि आपका अड्डा दिखे ढा रहा है, तो हम गए गए तो कहने लगे कि क्यों भाई अड्डा ढा रहे हैं। कहा कि तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है, ये जमीन सरकार हमको दिया है। अच्छा, वो लोग बोल रहे थे सरकार हाँ, दिया है, सरकार दिया है, सरकार हमको एक्वायर तो सरकार एक्वायर करने वाले हैं, कर। सरकार एक्वायर करने वाले। हाँ तो जब जमीन एक्वायर करने आ रहे थे तो प्रशासन भी उनके साथ थे? हाँ प्रशासन कुछ दूर में था, वो देख रहा था। हमको कहा कि हमको जितना परेशान किया है अब उतना परेशान अब आपको हम कराएंगे। तो अच्छा। हम कहे कि समय आएगा तो दिखेगा कि कौन किसके पीछे दौड़ता है। हम आपके पीछे दौड़ेंगे कि आप हमारे पीछे में दौड़िएगा। इसके बाद तो धमकी भी दे रहा था और परेशान कर हाँ, रही, धमकी भी दे रहा था और अभी कोई वैसा धमकी दे और रहा है क्या? यही वजह से हमारी पत्नी जो है उसी दिन से उसका मनोबल नीचे होने लगा और धीरे धीरे 12 तारीख को खत्म हो गई। और ऐसा अभी भी धमकी वगैरह आ हाँ रहा है, हाँ अभी भी देता है अभी भी लोग? देता है कौन कौन कि कौन दे रहा है अभी? यही सत्यनारायण रावत अच्छा, वो लोग जो अडानी के कि लोग। नहीं दोगे
तो बर्बाद हो जाओगे।